अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्रेडेड चिकन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप समोसे की पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर है रेड कलर का, जो मुझे बिल्कुल एक पिंच भर लेना है। चिकन है बोनलेस, जिसे मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर है और 1 चम्मच मैदा है। 1 अंडा है, 2 चम्मच मैंने टमाटो केचप लिया हुआ है और 1 नींबू का रस लिया है। और यहाँ पे मैंने 1/4 स्पून गार्लिक पाउडर, 1 पिंच मैंने वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा मैंने 1 पिंच के करीब मैंने अजीनोमोटो लिया है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 1 चम्मच सोया सॉस है, जिसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा रेड चिली सॉस मिलाया है। अगर आप टेस्ट पसंद करते हैं तो रेड चिली सॉस को आप ज़्यादा कर लें, और चटपटा खाना चाहते हैं तो इसमें सेजवान सॉस मिला लें। तो चलिए अब इसे मैरिनेशन करते हैं। इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, आप विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर और मैदा, गार्लिक पाउडर, अजीनोमोटो और सॉल्ट और पेपर पाउडर इसमें डाल दिया है। सोया सॉस एंड चिली सॉस, उसे भी इसमें डालना है। केचप, ये 1 अंडा, अंडा मैंने तोड़ के डाल दिया है, और ये थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा कलर। अब इन सबको हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे मैरिनेशन करने के लिए हमें 30 मिनट्स तक रखना है। ये स्प्रिंग रोल की शीट को मैंने अलग कर दिया है सब इस तरीके से, और बाकी बची हुई को कपड़े में ढक के रख दिया है, नहीं तो ये जल्दी से सूख जाती है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करके इसके थ्रेड बनानी है। आप चाहें तो थोड़ा कम ले सकते हैं या एक साथ इसे ले सकते हैं। अब इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ और इसके थ्रेड्स बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से काट लिया है, और इसे हमें इस तरीके से हाथ से खोल लेना है। सारे थ्रेड को इस तरीके से इसे खुल जाएंगे, इस तरीके से ये थ्रेड बन जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से थ्रेड लेने हैं, इस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म पे या प्लेट में रख के रखना है। और ये चिकन के स्ट्रिप्स हैं, जिसे हमें इस पे इस तरीके से रखना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा हाथ में लेके इसे प्रेस कर देना है, जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। और इसी तरीके से हमें सारा थ्रेडेड चिकन बना देना है। ये मैंने सारे थ्रेडेड चिकन बना लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे आपको ढककर रखना है, जब भी इफ्तार का टाइम हो उस वक्त फ्राई कर सकते हैं। और बचा हुआ थ्रेडेड चिकन फ्रिज में रख दें ढककर, और नेक्स्ट डे भी बना सकते हैं। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया, ऑयल गरम हो गया है और हमें इसे स्लो पे फ्राई करना है, नहीं तो चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैंने अभी गैस को मीडियम पे कर दिया है, और ये देखिए इस तरीके से कलर हो गया है चेंज। इसे बस गोल्डन ब्राउन करना है, सुनहरे रंग का, और इसे टर्न कर देना है। सारे पीस को हम टर्न कर देंगे जब इस तरीके से कलर चेंज हो जाए, तो सारे पीस को हमने टर्न कर लेना है। ये रेडी हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे हम और इसी तरीके से सारा चिकन थ्रेडेड फ्राई कर लेंगे। थ्रेडेड चिकन के साथ खाने वाली सॉस बना लेते हैं। इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें जा रहा है 4 स्पून शुगर, और शुगर मेल्ट होने तक रुकेंगे। इसमें मैं केचप डाल रही हूँ, 4 स्पून तक केचप है। स्वीट एंड सार सॉस है, तो थोड़ा मीठा और खट्टा होता है, तो इसमें मैं विनेगर डाल रही हूँ, 2 स्पून, और इसे बॉईल होने तक रुकेंगे। थोड़ा सा कलर लाइट है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये बॉईल होना शुरू हो गया, इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं। कॉर्नफ्लावर थोड़ा आराम आराम से डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतनी, नहीं तो ये थिक हो जाएगा ज़्यादा। जितना थिकनेस चाहिए बस उतना ही। ये सॉस रेडी है, ये देखिए, ये स्वीट एंड सार सॉस रेडी। ये हमारा थ्रेडेड चिकन रेडी है, देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर स्वीट एंड सार सॉस बनाया था, वो भी मैंने रख दिया है। अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली में शेयर करें, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।